आयुर्वेद जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और चमत्कारिक औषधि से आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार, ऑनलाइन डॉक्टर 553 में आप सभी का स्वागत है। जो ये आप दिव्य और चमत्कारिक औषधि देख रहे हैं, ये देखिए, ये समय फूलों से भरी हुई है और ये एक झाड़ सी हो जाती है। हालांकि ये बेल होती है, एक लता होती है, लेकिन ये झाड़ का ही रूप ले लेती है और बहुत भारी स्थान तक यह फैलती है और फलती है। इस तरीक़े से ये वृक्षों का सहारा लेकर भी चढ़ती है और एक झाड़नुमा हो जाती है। आप देख सकते हैं ये इसके फूल बहुत अच्छे हैं और ये इसकी पत्तियाँ। तो इस चमत्कारिक औषधि का नाम है अनंतमूल। इसको सारिबा बोला जाता है, अनंतमूल बोला जाता है। ये अनेक तीन प्रकार की होती है। एक है जम्बू पत्त सारिबा, जिसके पत्ते जामुन की तरह नज़र आते हैं, और एक है श्वेत सारिबा, जिसको अनंतमूल बोला जाता है, और एक कृष्ण सारिबा, जो काली अनंतमूल है। तो ये तीन चार प्रकार की होती हैं। इस तरीक़ा से आज मैं आपको ये अनंतमूल दिखा रहा हूँ, इसकी पहचान कीजिए। इसकी आपको मैं पहचान कर रहा हूँ, ये बहुत दिव्य और औषधि है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीक़ा की औषधियों से भरी वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो ये बहुत अच्छा काम करता है कर्ण रोगों में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कान की शिकायत है, कान में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे कान में मैल जमा हो, या फिर कान में कीड़े पड़ गए हों, या कोई फोड़े फुंसी हो गए हैं, या फिर कम सुनाई दे रहा है, कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की अगर कान की समस्या है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप क्या करेंगे, सरसों के तेल में इस अनंत मूल की जड़ को लेकर पकाएंगे। अगर जड़ का अभाव होता है तो इस पत्ती फल फूल सबको आप डाल सकते हैं, तो पकाएंगे, और जब तेल मात्र शेष रह जाएगा तो फिर कपड़े से छान करके आप शीशी में भर कर रख लेंगे। दो दो बूंद सुबह शाम अगर आप कान में डालते हैं तो सभी प्रकार की कान से संबंधित बीमारी को ये दूर कर देता है ये अनंत मूल। ये बहुत अच्छी गुण औषधि है, और इसके अलावा ये बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है। बुखार में आप अनंत मूल को ले लीजिए। इसकी जड़ें ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, अनंत मूल की जड़। तो जड़ के अभाव में इसका पंचांग भी प्रयोग किया जा सकता है, तो जो आपको उपलब्ध हो वो कर सकते हैं। तो बुखार में आप क्या करेंगे, आप इसके सांभाग आप अड़ूसा और नीम की छाल लेकर के और इसको ले लीजिए अनंतमूल को। अनंतमूल, अड़ूसा और नीम छाल तीनों औषधियों को कूट पीस करके आप महीन चूर्ण तैयार करें, और एक एक चम्मच अगर आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो कैसे भी बुखार क्यों ना हो, इसके प्रयोग से बुखार जाता रहता है। अगर आप इसे अनंतमूल के पाउडर का अगर आप सेवन करते हैं तो फिर यह पाउडर आपकी भूख में वृद्धि कर देगा। अगर आपका शरीर दुबला पतला है तो उसमें भी आपका शरीर हष्टपुष्ट हो जाएगा, भूख की वृद्धि करेगा। इसके अलावा अगर पेट में कहीं दर्द हो रहा है आपकी, तो आप अनंतमूल के साथ साथ में आप थोड़ी सौंठ और जीरे और अजवाइन का भुना हुआ आप जो चूर्ण बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। तो पेट संबंधी सभी प्रकार की बीमारी, चाहे वह गैस से संबंधित हो या कब्जियत से संबंधित हो, सभी प्रकार की बीमारी में ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा ये बवासीर में बहुत ही उत्तम है। अगर बवासीर की शिकायत है तो आप अनंत मूल ले लीजिए, और उसमें थोड़ी मात्रा में आप सनाय और निषौध का चूर्ण मिला लीजिए। अनंत मूल, निषौध और सनाय, इन तीन औषधियों को कूट पीस करके आप महीन चूर्ण तैयार कर सकते हैं, और एक एक चम्मच सुबह शाम अगर खाते हैं तो बवासीर में, कब्जियत में ये बहुत ही लाभकारी है। तो ये अनंत मूल बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। आप इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आपको बात संबंधी शिकायत है, आपको अगर घुटनों में दर्द है या जोड़ों का दर्द है, कहीं पर भी शरीर में गांठें या सूजन हो गई है, तो वहां पर आप इस अनंतमूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके साथ थोड़ा आप क्या करें, अकरकरा और अश्वगंध और ये अनंतमूल, ये तीन औषधियों को आप कूट पीस लीजिए, और आप अगर गुनगुने जल के साथ सेवन करते हैं, और साथ में जहाँ पर दर्द है अगर आप वहाँ इसका लेप बना करके और थोड़ा गुनगुना करके वहाँ पर चढ़ाते भी हैं, तो यह प्रयोग आपके सभी प्रकार के सूजन को, दर्द को और आपके बात संबंधी जो बीमारी है उसमें भी बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। कैसा भी बात हो,
इसके प्रयोग से ठीक हो जाता है। ये आपके दांत खाज खुजली में बहुत लाभकारी है। जहाँ पर आपको ये चर्म रोग की शिकायत है वहाँ पर आप इसके पत्तों को पीस करके उसका सोरस लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई औषधियों के साथ।